वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर, एक हमें ये सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में देखिए क्या है, एक डायमीटर ए बी है, एक डायमीटर सी डी है, दो डायमीटर है। तो आ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ के साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे मान लिया ये एक सर्कल है और ये डायमीटर ये, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, का मतलब 90 डिग्री है, ये बोला गया है ईच अदर। ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, ये जो ओडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सर्कल और बना लिया, उसका डायमीटर कौन है, ओडी है। तो क्या बोला गया, इफ ओए इज 7 सेंटीमीटर, ओए कहाँ पे ये है, ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो ब्लू कलर का है शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, जो कंटेंट में चीजें हमें गिवन है पहले उनको राइट करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बिग वाला जो सर्कल है उसके अगर रेडियस की बात करें बिग सर्कल की, तो हम कैपिटल आर से दिखा देंगे। देखिएगा कैपिटल आर हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर स्मॉल आर की बात करें, अगर स्मॉल आर की बात करें तो ये पूरा दिखेगा, या जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अच्छा, अब इस 7 का जब हाफ करेंगे तो 7.2 यानी 3.5 हो जाएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो 3.5 हो जाएगी, यानी स्मॉल रेडियस स्मॉल सर्कल के लिए। तो 7.2 मींस 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा इतना कंफर्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा देखिए, इस ट्रायंगल के लिए अगर बात करेंगे तो हाइट का काम ये ओसी करेगा और बेस का काम ए बी करेगा, जो कि ए बी कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी हमारा होगा 14 सेंटीमीटर और ओसी हमारा कितना होगा 7, जो कि है ही है। अब देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालेंगे, डायरेक्टली करेंगे उसको। देखिए कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें मिल जाएगा। किस तरीके से करेंगे देखिएगा, सो दैट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तरीका वही है, या तो आप इनको सेपरेटली एक एक चीजों को कीजिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे, सेमी सर्कल यानी इतने वाले पार्ट में से। देखिएगा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, जूम का मतलब सेपरेट करके सॉल्व करूंगा, तो ये चीज हो जाएगी, जैसे ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बनाइए इतना, और इसको कट करके निकाल देंगे तो कुछ ये साइज मिल जाएगा। कट करके निकालने का मतलब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, वो ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली राइट करेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, देखिएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ हो जाएगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी और सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और देखिएगा ये इतना निकाल लिया और इसमें इसको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब वन बाय वन सबका फॉर्मूला लगा लेंगे, तो देखिएगा सबका एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट हो जाएगा। अब देखिए 1/2 और 1/2 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस क्या हो जाएगी, देखिएगा 7 × 7 माइनस बेस हमारे पास कितना, देखिएगा बेस हमारे पास ए बी है, तो बेस ए बी यानी क्या हो जाएगा, ये 14 बेस हमारा हो गया 14, हाइट हमारे पास ट्रायंगल के लिए ये काम करेगी ये इस तरीके से ओसी, तो ये हमारा है 7, ये कर लिया। देखिएगा
सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई, या इस तरीके से कर सकते हैं, 22 सेवन जा 154 हुआ और 14 सेवन जा 98 होगा। अब 154 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 56 मिल गया, 56 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे एरिया स्मॉल सर्कल में लिखना भूल गया था, यहाँ पे हम इसको ऐसे हो गया प्लस स्मॉल सर्कल के लिए क्या ले लेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 ले लेंगे, रेडियस स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा 7/2 लेंगे, 7/2 टू टाइम राइट करेंगे, देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 11 जा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 11 7 जा 77, ये नेक्स्ट स्टेप में नीचे ही राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस देखिए ये पूरा हमने सॉल्व किया, ये स्टेप आ गया और ये वाला सॉल्व किया, यहाँ पे राइट कर लेंगे 11 7 जा 77/2 हो जाएगा। और देखिएगा ये कितना आ गया, 56 आया सेपरेट करने के बाद में, अच्छा प्लस 77/2 आ गया, कैंसिल आउट कर लेंगे, या अगर कैंसिल आउट ना करें तो देखिएगा डायरेक्टली ऐसे कर देंगे 56 प्लस 77/2 दोनों को करेंगे ऐड, दोनों को करेंगे ऐड तो ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13 वन कैरी, 7 5 12 वन कैरी 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कर लेंगे डिवाइड तो देखिएगा 2 6 12 हो गया, वन कैरी 2 6 12 हो गया, फिर वन कैरी और वन रिमाइंडर आया डेसिमल लगाया 2 6 12 और हमारा हो जाएगा 6.66 कुछ आना चाहिए, एक बार यहाँ पे राइट कर लेते देखिएगा 213.133 तो 2 6 12 हो गया, 1 आया 13, 2 6 12 हो गया, फिर 1 आया डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया तो 2 5 10 हो जाएगा ये, तो इस तरीके से 66.5 आएगा, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक एजुकेशनल अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, अपने जय हिंद वंदे मातरम।